हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो कि इस टाइम पे मैं मोमो बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज का जो मेरा ब्लॉग है तो इसी से कुछ रिलेटेड है। कुछ ऐसा मैंने डेली रूटीन का नहीं दिखाया है। मैं मोमो बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाने वाली हूँ। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बनाने का ट्राई कर रही थी और मैंने जितना जो मुझसे हो पाया तो मैंने उन सब चीज़ों को यूज़ करके और बनाया है, ये आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें ले लेना है पत्ता गोभी, एक मैंने ले ली है, एक मैंने गाजर ले ली है, शिमला मिर्च ले ली है दो, और प्याज ले ली है दो। प्याज भी मैं डालूंगी क्योंकि ना मेरे को इसमें ना प्याज का टेस्ट भी काफी अच्छा लगता है। चाहे आप कद्दूकस करके डालें या आप कट करके डाल दें तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप कभी भी मोमो बनाएं तो आप ऐसा करें कि इसके अंदर थोड़े से प्याज के पीसेस भी डाल दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ। मोमो की चटनी बनाने के लिए आप मैंने क्या किया है, चार टमाटर ले लिए हैं और 10-12 मैंने लाल खड़ी मिर्च ले ली है और अब मैं इसको बॉईल करने वाली हूँ। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप चाहो तो इसमें कलर भी डाल सकते हो, अब इसमें आप तड़का भी लगा सकते हो, बट मेरे को वो सब ज़्यादा तामझाम वाला नहीं पसंद रहता है। सिंपल इस टाइप की चटनी मेरे को ज़्यादा पसंद आती है तो मैं ऐसे ही टाइप की बनाती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसमें कलर भी डाल सकते हैं और ऐसा करके। और अभी मैं इसके अंदर लहसुन की कलियां कुछ डालने वाली हूँ, साथ के साथ मैं बॉईल कर लूँगी। अगर आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, और अगर आप बॉईल करने में डाल देंगे तो थोड़ा तीखा सा जो टेस्ट आता है ना, अजीब सा लगता है, वो नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं इसको ढक के और अच्छे से बॉईल करने वाली हूँ 5 से 10 मिनट। और जब तक ये मतलब 5 ही मिनट बॉईल करेंगे, अगर गैस धीरे है तो आप 10 मिनट कर लीजिए, अदरवाइज 5 मिनट में काफ़ी अच्छे से हो जाता है। जब तक ये मेरी टमाटर बॉईल हो रहे हैं चटनी के लिए, तो यहाँ पर मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और शिमला मिर्च को मैं कद्दूकस करने का ट्राई कर रही थी बट बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा कि मैं इसको क्या करती हूँ कि कट कर लेती छोटे छोटे पीसेस में। तो इसके बाद अभी आप देख सकते हो कि मैं पहले ट्राई कर रही थी कि मैं इसको कद्दूकस करूँ बट नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने इसको कट करा है। और इसके बाद अब हम पत्ता गोभी कट करेंगे और कुछ और भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। कई लोग जैसे कि ना सोयाबीन की बड़ी होती है ना, उसको भिगो के और फिर वो डालते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, मैं नहीं डालूंगी। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और मेरे को इतना ध्यान भी नहीं आया कि मेरे को वो भी डालना चाहिए। सो अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कद्दूकस कर रही थी ये पत्ता गोभी को, और बच्चे भी यहाँ पे आप खिड़की से देख सकते हैं ना, बाहर ही हमारी बाउंड्री में थोड़ा सा स्पेस है तो बच्चे यहीं पर खेल रहे थे और बात करती जा रही थी मैं उन लोगों से, और बच्चे भी बात कर रहे थे। और इस तरीके से क्या करना है, हमें कद्दूकस अच्छे से कर लेना है, शिमला मिर्च और जितनी भी आप सब्जियां चाहते हैं डालना, तो आप धीरे धीरे। और ना शाम का टाइम था, वैसे तो डेली इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, 2-3 दिन से काफ़ी कम ठंड हो रही थी, बट आज के दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई। मकर संक्रांति के नेक्स्ट डे का वीडियो है ये, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। और इससे पहले मैंने दूसरा ब्लॉग अपलोड कर दिया था क्योंकि वो पहले से था, तो मैंने सोचा इसको कर देती हूँ, बीच में टाइम नहीं मिला था एडिट करने का। सो जब मुझे मिला तो मैंने सोचा कोई नहीं अभी कर देती हूँ। और इसके बाद मैं ये, तो अभी आप देख सकते हो इसको कद्दूकस करके करना क्या है कि आपको ना इसमें नमक डाल के और इसका पानी अच्छे से निचोड़ना है। नमक डाल के आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो अच्छे से, जब ये जितना पानी इससे निकलना होगा ना वो सारा निकल जाएगा, फिर आप अच्छे से इसको निचोड़ के, और उसके बाद फिर आप अच्छे से इसको सूखा ड्राई हो जाएगा तो अच्छा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्याज मैंने कट करा हुआ था उसको भी मैंने मिक्स कर लिया है,
और फिर इसके बाद मैं इसमें नमक मिक्स करने वाली हूँ। आप अगर आप चाहें तो प्याज बाद में भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं ना इसी के साथ ही अभी कर दूंगी तो अच्छा रहता है, क्योंकि प्याज में से भी काफी पानी निकलता है। तो इसीलिए इसके लिए क्या करना है कि आप पहले ही प्याज मिक्स कर लें या बाद में कर लें, कोई इशू नहीं है। और अब मैंने ये ले लिया है, इससे मैं कूटने वाली हूँ लहसुन और अदरक। इसका बहुत अच्छे से पेस्ट प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास मिक्सर से आप कर सकते हैं तो उससे भी कर लें, बट ना मेरा ये थोड़ा सा खराब है तो उससे ना ज्यादा अच्छा बारीक नहीं पीसता है, तो इसीलिए मैं इसे सिलबट्टे से। और यहाँ पर मैंने म्यूनीज बनाने के लिए सबसे पहले दो उबले हुए आलू ले लिए हैं, छोटे साइज के, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दो मैंने 2 से 3 आलू ले लिए हैं। और इसके बाद मलाई, अगर आप फ्रेश क्रीम मार्केट से नहीं लेकर आ पाए हैं तो आप अपने घर की मलाई भी डाल सकते हैं। 2 से 3 दिन के आप इकट्ठा कर ले, मेरे पास, मेरे को याद नहीं था पहले तो इसीलिए मैंने 1 दिन की ही डाली थी। इसमें हल्का सा शुगर डालना है आपको, 1/2 टीस्पून। एंड इसके बाद क्या करना, अगर आपके पास अजीनो मोटो है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे आपकी मोमो प्रिपेयर हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पे। और एक में आ नहीं रही थी तो मैंने हल्का सा दूध डाल के, और सॉरी हाँ, दूध तो मैं बताना ही भूल गई, इसमें आपको 1 कप के अराउंड मिल्क भी डालना है। और बस अब मैंने व्हाइट वाली म्यूनीज कंप्लीट कर ली है, इसके बाद अब मैं रेड वाली चटनी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टमाटर मेरे उबल चुके हैं, इनके छिलके आप जरूर से जरूर उतार दें। छिलके अगर उतरे रहते हैं तो मार्केट जैसा टेस्ट आता है। और इसके बाद जितनी भी लाल मिर्च आपने वो करी थी, और बच्चे तो वैसे भी ये खा नहीं पाते क्योंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाती है ये वाली चटनी, बट हाँ बड़े लोग हैं थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, बाकी बच्चे तो नहीं खा पाते, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। फिर भी क्या करें, अगर मार्केट जैसा बनाना है, और भी लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा बनाना होता है, तो इस करके ऐसा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी रेड वाली चटनी भी तैयार हो गई है, और काफी अच्छा लुक आ रहा था। अगर आप चाहो तो इसमें तड़का वगैरह करके इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर सकते हो, बट मैंने इतना ज्यादा नहीं किया था। और अब फाइनली जो बारी आती है तो आती है ये जो हमने मैटर रेडी किया है, इसको अच्छे से देखने में आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा कलरफुल लग रहा था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसमें गाजर वगैरह सब कुछ कद्दूकस कर दिया था ना, तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। और नमक डाल के इसका पानी जितना भी होता है मैंने अच्छे से हटा दिया है। और अब इसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ा नहीं, कम से कम 10 मिनट आप फ्राई करेंगे तो जो कच्चा कच्चापन आता है ना वो मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं इसीलिए एक दो बार मैंने ऐसे ही ट्राई किया है, बट मुझे काफी ज्यादा टेस्टी नहीं लगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार फ्राई करके बनाऊं। और जब मैंने फ्राई करके बनाना स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा अमेजिंग टेस्ट आया। तो फिर अब एक बार ऐसे होता ना कि कोई चीज अच्छी बन जाती तो फिर हम दोबारा से वही ट्राई करते हैं, सो इस तरीके से करना है। और अब इस स्टेज में आकर आपको ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट आपने प्रिपेयर किया हुआ है इसको आपने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, और बस हल्का सा नमक और सब्जी मसाला बस इसको डाल के आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसके बाद आप इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए चाहे तो छोड़ दें, और अदरवाइज आप डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर लीजिए। ये आप देख सकते हो ज्यादा नहीं डालना है नमक, इसलिए नहीं डालना कि इससे पहले भी हमने इसका पानी हटाने के लिए डाला हुआ था, तो इसीलिए हमें अब ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी में डालना है। पहले से ऑलरेडी इस पे नमक है तो बहुत ज्यादा कहीं नमक ना हो जाए,
तो ऐसे करके अब इसके बाद बारी आती है, ये आप देख सकते हो मटर बनने के बाद ऐसे सा हो जाता है। और अब मैं क्या करूंगी, मैदा मैंने मैदा ले लिया है, मैदा में रिफाइंड ऑयल आपको 3 से 4 चम्मच डाल लीजिए आप, 2-3 चम्मच बस, ज्यादा नहीं। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से गूंद के रख लिया है, ये आप देख सकते हो गूंद गया है। और बस अब मैं छोटी छोटी इसकी लोइयां बना के और मोमो रेडी करूंगी। अब आप देख सकते हो कि ऐसे अंदर ही मैंने बना लिया था, बाकी मैंने स्टीम करने के लिए मैं गार्डन में लेकर गई थी, और बाकी मैंने यहाँ पे ही अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। ये आप देख सकते हो छोटी छोटी, आपको बिल्कुल इसकी लोइयां बना लेनी है, और इसके बाद फिर आपको इसके अंदर स्टफिंग फिल कर। तो फ्रेंड्स बस अब ये आप देख सकते हो मैं गार्डन में लेकर आई हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको स्टीमर में रखने वाली हूँ। और ये बिल्कुल देसी जुगाड़ से मोमोज मैंने बनाए हैं, अभी इसमें मैंने बिल्कुल भी इसके साँचे में नहीं बनाया है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से जुगाड़ करके ये पूरा मैंने बनाया हुआ है। और अगर आपके घर पर भी नहीं है ये मोमो मेकर, तो आप इस तरीके से स्टीम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो बहुत टेस्टी बनेंगे, और बिलीव मी गाइज आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई कीजिए, और फिर आप मुझे बताइए कि आपके मोमो कैसे बने। और बस डोगो डिश यहाँ पर खाने के लिए रेडी है, तो फिर बस अब मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का करूंगी एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और बस सर्व करती हूँ अब फिर सबके लिए, और बस मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।